सब्सक्राइब कीजिए गोलमाल टेक चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, गोलमाल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं टाइपिंग के बारे में। इसमें आप कितनी आसानी से टाइपिंग कर सकते हो, सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको समझाना चाहते हैं टाइपिंग के बारे में, थोड़ी सी बातें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको बता देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सबसे पहले, अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों की टाइपिंग, किसी की भी टाइपिंग सीख रहे हो, मगर अगर आप टाइपिंग वहाँ पर देने जाओगे एग्ज़ाम में, स्किल टेस्ट आपका होगा, तो आपको एक टाइपिंग पर ध्यान रखना होगा, वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। दोस्तों, आप कर रहे हो हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग, तो दोस्तों दोनों के लिए ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहली बात इम्पोर्टेंट यह है कि आपको बैक स्पेस नहीं दबाना है। अगर आपको आदत है टाइपिंग करते समय बैक स्पेस दबाने की, तो या तो आप बैक स्पेस निकाल दीजिए कीबोर्ड में से, वो बटन निकाल दीजिए। तो दोस्तों, वहाँ पर जो आपको टाइपिंग करने के लिए दिया जाएगा कीबोर्ड, उसमें बैक स्पेस का बटन डिसेबल कर दिया जाता है, जिससे कि वह काम नहीं कर पाता है। और आप वहाँ पर भी एक बार तो उसे ज़रूर दबाओगे, एक दो बार, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये काम नहीं कर रहा। मगर आज की वीडियो में हम आपको बता देते हैं, अगर आपको आदत है पहले से उसे दबाने की, तो उसे आदत को बदल दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे वहीं पर गलती करते हैं और वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरी बात बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट। तो दूसरी बात हमारी यह है कि इसमें आपको वही टाइप करना है जो आपको दिया जाएगा, वो सही होता है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामर मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है, जो आपको दिया जाएगा आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ वही टाइप करना है। तो दोस्तों, अब आपको तीसरी बात बताते हैं। दोस्तों, तीसरी बात हमारी यह है, अगर आप टाइपिंग करते थे 2 घंटे या 3 घंटे, तो आज से आप टाइपिंग करोगे, अगर हमारी बात मानते हो, तो 2 घंटे, और 2 घंटे डेली टाइपिंग करोगे, 2 घंटे ज़रूर निकालोगे अपनी टाइपिंग के लिए। और दोस्तों, उन 2 घंटे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो दोस्तों, 2 घंटे लगातार टाइपिंग आपको नहीं करनी है। इसमें आपको बीच में 5 या 10 मिनट का थोड़ा सा टाइम देना है, जिससे आप टाइपिंग की स्पीड अच्छे से निकाल सको। तो दोस्तों, इससे आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, क्योंकि हम जब टाइपिंग करते हैं, तो हमारा जो है दिमाग, वो इस तरीके से काम करने लग जाता है कि हम कोई भी बटन हो उसे दबाने शुरू कर देते हैं, जो हमें नहीं दबाना होता। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी की टाइपिंग अंग्रेजी के मुकाबले बहुत जटिल होती है, जिसे हम इतनी आसानी से नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में मैं आपको अब बताने वाला हूँ, यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि 5% गलतियाँ हमारी माफ़ कर दी जाती हैं, सिर्फ हमारी टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी है तो, और वो भी कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा कर दिया जाता है। तो अभी तक तो ऐसा हुआ है, NVS में क्या होता है ये तो NVS जानते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि 5% जो गलतियां होती है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, अगर टाइपिंग की स्पीड आपकी अच्छी आती है तो। तो दोस्तों, ये तो आपके लिए अच्छी बात है अगर यहाँ भी आपकी 5% गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये। अभी तक ऐसा हुआ है और हमारी जानकारी में ये बात थी, तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप बैक स्पेस को दबाते हैं, तो उसकी आदत को बदल दीजिए बैक स्पेस की, और क्योंकि वो वहाँ पर डिसेबल मिलेगा आपको, और इसमें आपकी 5% गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी आपको जो मुझे बतानी थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे हम इस वीडियो में आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लाते रहते हैं। थैंक यू।